अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं हाँ श्याम मोहम्मद कलिया ते तुसी मेरा यूट्यूब चैनल वेख रहे हो किसान दोस्त टीवी पी के। अच्छा किसान दोस्तों, तुसी बिजाई दे टाइम ते कोई भी खाद अगर इस्तेमाल नहीं कर सके ते पहले पानी दे किहड़ियां किहड़ियां खाद इस्तेमाल करनियां ने वह इस वीडियो दे विच तुहानूं दस्सांगे ताकि तुसी भरपूर फायदा उठा सको ते भरपूर पैदावार लै सको। ते सारे तो पहले किसान दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब कर लो ताकि तुहाडे कोल इस तरह दी नवी नवी वीडियो आउंदियां रहन। अच्छा किसान दोस्तों, कणक दे पहले 50 दिन कड़े होंदे ने बड़े ही अहम होंदे ने। इन्हां दे विच गंदम अपनी बढ़ोतरी भी कर रही होंदी है ते टिल्ली रंग भी बना रही होंदी है। पहले असीं 25 दिन तकरीबन तो जाया कर लैंदे खाद तों बगैर ही असीं गंदम नूं परवरिश करा रहे होंदे आ ते 25 दिन साढ़े कोल रह जांदे ने। 25 दिनों बाद असीं पहला पानी लाने 20 तों 25 दिनों बाद ते इह 25 दिन कड़े ने इहदे विच गंदम बड़े जोरों शोर नाल अपने टिलर बना रही होंदी है, शगूफे बना रही होंदी है ते इहनूं खादां दी बड़ी जरूरत होंदी है। असीं किहड़ियां खादां पाउणियां ने तां कि असीं भरपूर पैदावार लै सकीए? सारिआं तों पहले असीं DAP पाउणी है। DAP 1.5 बोरी हो सके ते बैस्ट है, ना तो 1 बोरी DAP, अद्धी बोरी SOP। ये ड्रम के घोल के असी फ्लड कर दीए तो सब तो अच्छा है। जे साढ़े तो यह घोल के ना पवे तो छटा भी कर सकते हैं। इन तो बाद 1 बोरी यूरिया असी जो पानी ला दें, पानी तो बाद असी चिकट के छटा करना। इन यूरिया जाया होने चांस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। किसान दोस्तों, अगर असी इस तरह खाद पावे ना तो साड़ी भरपूर पैदावार मिल सकती है सानू। तो टिलर भी बहुत ज़्यादा बनावेगी गंदम, बढ़ोतरी भी बहुत आसानी नाल करेगी। अगर इस तरह टिलर भी बनावे तो बड़े बढ़ोतरी भी होगी तो फिर ही असी पैदावार ज़्यादा लै सकते हैं। ये तरीका अख्तियार करके तुसी अपनी ज़्यादा ज़्यादा पैदावार लै सकते हो। किसान दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इनू लाइक भी करना, शेयर भी करना तो मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करना।